हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट ट्रिक के बारे में जो है रिलेटेड नॉन पोलर अमीनो एसिड्स के बारे में, और जानेंगे उस सेंटेंस को जिसके थ्रू जो है आप नॉन पोलर अमीनो एसिड्स जो हैं वो जो हैं आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं, और बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस कोई भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अपने चैनल पर नए हैं अभी आपने जो मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो है प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को ऑल पे ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए हम देख लेते हो नोटिफिकेशन वो सॉरी वो हमारा जो है ट्रिक की किस ट्रिक के थ्रू जो है आप जो है नॉन पोलर अमीनो एसिड्स को रिमाइंड या मेमोराइज कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं वो सेंटेंस। तो आपको बस एक सिंपल सेंटेंस याद रखना है, और आप सेंटेंस को याद रखेंगे तो आप जो है इजिली जो है नॉन पोलर अमीनो एसिड्स को जो है आप पहचान पाएंगे और मेमोराइज कर पाएंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या है? तो हमारा सेंटेंस है प्रोबेबली ल्यूकोप्लास्ट इज अरेंज एट वेंट्रल ग्रेना टू मीडिएट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो एक सिंपल सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस को आपको रिमाइंड करना है, आपको याद करना है, और इस सेंटेंस के थ्रू जो है आप जो है देख सकते हैं कौन कौन से जो हम नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, उसे आप मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हर वर्ड को जो है कैपिटल लेटर से बिलोंग किया, लाइक जो फर्स्ट लेटर है उसका वो कैपिटल लेटर, जैसे प्रोबेबली में पी, ल्यूकोप्लास्ट में एल, इज में आई, अरेंज में ए, और जहाँ पे आपको जो है स्मॉल लेटर देखने को मिलेगा फर्स्ट वर्ड का, इसका मतलब उसको हम लोग ने बस सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए यूज किया है, जैसे एट TO2 फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस सेंटेंस में जो है हमें कौन कौन से जो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोबेबली से। तो प्रोबेबली में सबसे पहले आपको यहाँ पी देखने को मिल रहा है, सबसे इस वर्ड में फर्स्ट जो कैपिटल लेटर वो पी है, तो पी हमें यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? प्रोलीन। क्या डिनोट कर रहा है? प्रोलीन। ठीक है, प्रोलीन हमारा पहला नॉन पोलर अमीनो एसिड हो गया। दूसरा आपका एल है, क्या है? एल। तो एल क्या आपका हो गया? ल्यूसीन। एल क्या हो गया? वो आपका ल्यूसीन। थर्ड क्या है? आई। तो आई आपका यहां पे क्या डिनोट कर रहा है? आइसो ल्यूसीन, आइसो ल्यूसीन। फोर्थ क्या है आपका? वो ए, अरेंज का ए। तो ए आपका यहां पे क्या डिनोट कर रहा है? एलानिन। एलानिन ये आपका यहाँ पे क्या है? एलानिन। नेक्स्ट आपका क्या है? वेंट्रल का वी। ठीक है, तो वी आपका यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? वेलिन। नेक्स्ट आपका क्या है? ग्रेना का जी। तो जी आपका यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? ग्लाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? मेडिएट का एम। तो एम आपका यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? मिथियोनिन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कितने नॉन पोलर अमीनो एसिड्स मिले। तो आपको यहाँ पे मिला 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आपको टोटल जो है वो 7 नॉन पोलर अमीनो एसिड्स जो है वो देखने को मिले। तो आपको अभी करना क्या है, आपको बस सिंपल सा सेंटेंस याद रखना है, प्रोबेबली ल्यूकोप्लास्ट इज अरेंज एट वेंट्रल ग्रेना टू मेडिएट फोटोसिंथेसिस। तो आप जैसे ही इस वर्ड को जो है या इस सेंटेंस को जो है आप वो याद कर लेंगे या मेमोराइज कर लेंगे तो आपको जो है
यहाँ पे जितने भी नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं उसे भी आप जो है इजिली मेमोराइज कर सकते हैं। फिर आपका जो एग्जाम में जिस भी टाइप के क्वेश्चंस हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड से रिलेटेड, तो आप जो है उन क्वेश्चंस को 100% जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं और उस क्वेश्चंस को आप बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ, तो सेंटेंस क्या है वो आपका, प्रोबेबली ल्यूकोप्लास्ट इज अरेंज एट वेंट्रोग्रेना टू मेडिएट फोटोसिंथेसिस। जहाँ प्रोबेबली का पी आपका जो है वो है प्रोलीन, जो पहला अमीनो एसिड है, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट ल्यूसीन, सेकंड इज आइसोल्यूसीन, थर्ड अरेंज का ए एलानिन, फोर्थ वेंट्रल का वी वैलिन, फिफ्थ ग्रेना का जी ग्लाइसिन, सिक्स मेडिएट का मिथियोनिन, जो कि सेवन अमीनो एसिड। तो यहाँ पे आपको जो है टोटल सेवन नॉन पोलर अमीनो एसिड जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वे में जो है आप जो है नॉन पोलर अमीनो एसिड्स को इस ट्रिक के थ्रू जो है आप मेमोराइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको मेरे चैनल को पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।